कंपटीशन रूफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। और एक आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा जो है रिक्रूटमेंट ड्राइव 2019 स्टार्ट कर दी गई है। और आइए देख लेते हैं किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसीज जो है अनाउंस की गई हैं। तो वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं असिस्टेंट कमिश्नर पीजीटी टीजीटी मिसलेनियस कैटेगरी ऑफ टीचर्स, लीगल असिस्टेंट, फीमेल स्टाफ नर्स, केटरिंग असिस्टेंट एंड लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसीज जो हैं अनाउंस की गई हैं। तो फ्रेंड्स, इस बार वैकेंसीज जो हैं काफ़ी संख्या में दी गई हैं। तो ये गोल्डन चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए कि आप टीचर बन सकते हैं। ठीक है, तो हाँ ये देख लेते हैं। जैसे असिस्टेंट कमिश्नर जो है इसकी 5 वैकेंसीज हैं। पीजीटी की टोटल वैकेंसीज जो हैं 430 है, जिसमें टोटल 11 सब्जेक्ट हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस। तो ये टोटल सब्जेक्ट है। और इसमें अगर हम देखेंगे तो पीजीटी में हिंदी की 18 वैकेंसीज हैं, अनरिजर्व में, ईडब्ल्यूएस में 1 वैकेंसी है और ओबीसी में 9, एससी में 5, एसटी में 2, और टोटल जो है 35 वैकेंसीज हैं। और नेक्स्ट देखते हैं टीजीटी। तो टीजीटी में जो है टोटल वैकेंसी 1154 है, जिसमें टोटल 5 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और सोशल स्टडी। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं वो हिंदी सब्जेक्ट की हैं, 146 वैकेंसीज अनरिजर्व की हैं, और 16 जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए हैं, ओबीसी के लिए 86 हैं, एससी के लिए 48 और एसटी के लिए 24 है। तो फ्रेंड्स, और जो मिसलेनियस कैटेगरी टीचर्स हैं उसके लिए टोटल वैकेंसीज जो हैं 564 हैं। ठीक है, फीमेल स्टाफ नर्स इसके लिए टोटल वैकेंसी 55 हैं, और लीगल असिस्टेंट इसके लिए टोटल वैकेंसीज 1 हैं। और फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे चैनल पर पीजीटी हिंदी और पीजीटी टीजीटी हिंदी के लिए सुनीता मैम के द्वारा हिंदी के जो सब्जेक्ट है उस पर लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और वो इस हिंदी सब्जेक्ट को डील करते हैं और आपकी प्रिपरेशन करवाते हैं। तो नवोदय के लिए भी जितनी भी पॉसिबल वीडियोस होंगे या आपकी स्ट्रेटजी होगी, जो भी चीज़ें हैं वो आपको जल्द से जल्द सुनीता मैम के द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए इसमें क्या है कि मैं आपको जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे कि अगर हम पीजीटी में देखेंगे तो पीजीटी में जो अपर एज लिमिट है वो है 40 इयर्स, और इसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या क्या मांगा गया है पीजीटी के लिए, अभी हम किसके लिए देख रहे हैं, पीजीटी के लिए। तो पीजीटी के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या है कि पीजीटी होना चाहिए सब्जेक्ट में विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एग्रीगेट हों आपके, ठीक है, और या मास्टर डिग्री हो फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एट लीस्ट 50% मार्क इन एग्रीगेट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है उसमें, ठीक है, और बीएड की डिग्री होना चाहिए, और आपको टीचिंग आनी चाहिए हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में, ठीक है, यही सब चीज़ें हैं। और फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते रहते हैं, इसमें देखते हैं टीजीटी के लिए क्या है। तो मिसलेनियस टीचर्स है, और पीजीटी के बाद मिसलेनियस टीचर्स है ये, और लीगल असिस्टेंट, फीमेल स्टाफ नर्स, केटरिंग असिस्टेंट। अब देखिए, अब आ जाते हैं इस पे मेन चीज में, यहाँ क्या है, एज रिलैक्सेशन की बात की गई है। और फ्रेंड्स, मैं इसका लिंक भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन को इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो एज रिलैक्सेशन की बात है तो आप देख सकते हैं एससी एसटी के लिए 5 ईयर, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वुमेन्स के लिए सभी कैटेगरीज के लिए जो है 10 ईयर का जो है एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। और
एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम होगा। और ये क्या है, सीबीटी मोड पर यानी कंप्यूटर बेस्ड जो है टेस्ट होना है इसका, ठीक है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो हम यहाँ पर ये सिलेबस जो है, सिलेबस हम बाद में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। देखो टोटल 5 पार्ट हैं पीजीटी में, पीजीटी में जो सिलेबस है, सिलेबस में यानी 5 पार्ट हैं। और पहले पार्ट में जो है रीजनिंग एबिलिटी है, टोटल मार्क्स होंगे इसके 15, जनरल अवेयरनेस के भी 15 मार्क हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के 20 मार्क हैं, सब्जेक्ट नॉलेज जो भी सब्जेक्ट होगा आपका उसके 100 मार्क्स होंगे, और उतने ही क्वेश्चन हैं, 100 क्वेश्चन भी हैं। और 30 नंबर का जो लैंग्वेज टेस्ट है ये इंग्लिश और हिंदी दोनों का होगा, यानी 15-15 मार्क्स का, और ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसका आपके जो मार्क्स हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। तो टीजीटी के लिए भी इसी तरह का लगभग सिलेबस है, कुछ अंतर है, ठीक है। तो देख लेते हैं, देखो जो पहले के वही चीज़ है कि इसमें भी 4 पार्ट स्टार्टिंग के जो हैं, इसमें रीजनिंग के 10 क्वेश्चन हैं, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन हैं, और सब्जेक्ट नॉलेज के 100 क्वेश्चन हैं। और जो पार्ट 5 है उसमें 45 मार्क्स का जो है हिंदी, जनरल इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज, तो इसके जो है टोटल मिलाकर 45 क्वेश्चन होंगे। और क्या है, इसमें 1/3 मार्क जो है आपको क्वालिफाइंग है केवल, ठीक है। तो इसको क्वालिफाई करना है बेसिकली। उसके बाद देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, हम डेट को देख लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन जो है वो 10 जुलाई को ओपन होगा, ठीक है। 10 जुलाई से ये वैकेंसीज जो हैं आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की क्लोज होने की जो डेट है वो 9 अगस्त है। फी डिपॉजिट होगा 10 जुलाई से ही, और फी क्लोज हो जाएगी 12 जुलाई को। और डेट ऑफ रिटन एग्ज़ाम जो है वो टेंटेटिव है, कब से, 5 से 10 सितंबर, 5 से 10 सितंबर है, ठीक है। और ये जो वैकेंसीज हैं इसका जो आपको फॉर्म फिल करना है वो ऑनलाइन ही है। देखिए आपको दिखा देता हूँ हाउ टू अप्लाई में लिखा हुआ है कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू NVS वेबसाइट, ठीक है। तो NVS की वेबसाइट पे आपको ऑनलाइन इसको भरना है। तो फ्रेंड्स ये बहुत इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है टीचर्स की, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले सभी स्टूडेंट के लिए, और ये बहुत ही आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप इस पे अभी से जी जान से लग जाइए, सितंबर कोई दूर नहीं है, जल्दी से जल्दी सिलेबस को कवर कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और चैनल से जुड़े रहेंगे तो हिंदी की सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। और अगर आप इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो और भी बच्चों तक ये मैसेज पहुँचेगा और इसका बेनिफिट और सारे बच्चों को मिलेगा। तो इसे लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने स्टेटस पे लगा लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद।